आज आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं अपने मॉड्यूलर किचन की। और यार जो हमने वाटर की स्टोरेज करी ना, इससे बेस्ट स्टोरेज नहीं हो सकती। यहाँ पे हम अपने सारे आइटम्स, जो भी मसाले वसाले और जो भी हमारे दाल वाल, जो भी चीज हमें यूज करनी है, वो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पानी के लिए यहाँ पे ग्लास को रख के देखो, इस तरीके से होने वाली भाई पानी की अरेंजमेंट। हमारी जो किचन है ना, वो पूरी तरीके से फंक्शनल हो चुकी है और इसको यूज करने वाले हम इस वाली ट्रिप में, जो कि हमारी आज स्टार्ट हो जाएगी। और इस ट्रिप में होने वाले भाई अपने साथ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनदर डे। तो कल मैंने अपना पूरा किचन का सेटअप करवा लिया था, आज आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं अपने मॉड्यूलर किचन की, पूरा सेट करके दिखा देते हैं। आज हम ट्रिप पे भी निकलने वाले हैं, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको करवाएंगे अपने किचन का दर्शन। और पानी की जो स्टोरेज हमने करी है ना भाई, जो इंतजाम किया है, उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। अभी आपको पूरी किचन ओपन करके दिखा देता हूं मैं। तो वैसे जनरली देख लो, ये हमारी स्टोरेज है यहां पे। अब वो किस में करी हुई है, वो तो राज की बात है, जल्दी जल्दी खुलेगा। सारी चीज बता दूंगा मैं आपको इन डिटेल। अगर आपको भी कुछ ऐसा किचन वगैरह सेटअप करना है अपनी गाड़ी के अंदर, तो मैं मतलब कोई भी चीज हाइड करके नहीं रखूंगा। अभी हमने जस्ट ये एक सैंपल प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसमें जो भी कमी आने वाली है वो हमें इस वाली ट्रिप पे पता चल जाएगी, जिसे हम आगे इन फ्यूचर अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ सामने देख लो आप, यहाँ पे हैंडल्स लगवा दिए हमने दो, एक ये है, ठीक है, और इसके साथ हमने लॉक्स भी लगवा दिए जिससे कि ये निकल के ना आए बाहर। और एक ये है, ये ओपनर भी है और ये हैंडल भी है। ठीक है, उसके साथ साथ नीचे एक टेबल है, हम बाद में जब पूरा ओपन हो जाएगा तब दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पे है अपना सिंक। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपना व्यू है बाहर से। ठीक है, प्रॉपर मैं दिखा देता हूँ। और एक ये स्टैंड है, जो कि किचन हमारी बाहर खुलेगी उसके लिए स्टैंड है। साइड में जगह दे दी, यहाँ पे अपनी एक चेयर एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ भी अपना स्पेस बना दिया हमने, ये वाली सीट निकलवा दी थी, आपने कल देखा होगा हम इसी पे काम कर रहे थे, ये वाली सीट भी निकलवा दी, जिसकी वजह से यहाँ पे हम वाटर स्टोरेज कर पा रहे हैं। और यहाँ भी अपने पास नीचे स्पेस बचा हुआ है, यहाँ भी हम एक चेयर यहाँ पे भी घुसा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइड में दोनों जगह स्पेस इसलिए रखा है, जिससे कि कुछ स्टोरेज जो कि हमें ऊपर ना करनी पड़े वो साइड में हम घुसाते हैं। और उनका वैसे रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, वो बैक साइड का सीट था जिसकी कोई जरूरत थी नहीं, तो इसलिए वो हटवा दी दोनों और अपने पास स्पेस बन गया। क्योंकि मैक्सिमम हमें क्या करना है कि स्पेस को कवर करना है, जिससे कि हम मैक्सिमम स्टोरेज कर पाए। ठीक है, अपने आइटम्स की। तो जी फाइनली आपको अपनी किचन के दर्शन करवा देते हैं। बाकी मैं दो ग्लासेस ले आया हूँ, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम पानी को कैसे यूज करने वाले हैं। मतलब पानी पीने के लिए ग्लासेस है, मोस्टली पानी पीने के लिए ग्लासेस यूज करने वाले हैं, तो इनका एक प्रॉपर तरीके से दिखाना है आपको, इसलिए मैं ग्लासेस ले आया हूं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, पहले एक मिनट में किचन को करते हैं ओपन, फिर आगे का पूरी चीज दिखाऊंगा मैं। क्योंकि यार साथ में साथ मैं ओपन करने के साथ कोई कैमरा होल्ड करने के लिए होना चाहिए, तो वो नहीं है मेरे साथ, तो पहले इसको ओपन कर देता हूँ पूरी और फिर दिखाता हूँ फाइनल। और यार जो हमने वाटर की स्टोरेज करी ना, इससे बेस्ट स्टोरेज नहीं हो सकती। वैसे अपनी सिंक ओपन हो चुकी है, उसके साथ हमारी ये टैब, इसको अभी चलाएंगे, स्टार्ट करके दिखाएंगे। बाकी आपको मैं स्टोरेज दिखा देता हूँ, आज पूरा स्टोरेज दिखाऊंगा कि हमने किचन में कितना करवाया। एक तो ये है, उसके साथ ये यहाँ पे सिंक है और ये स्टोरेज है। इसमें आप अपने तकिए वगैरह, जो भी अपने मैट्रेस वैट्रेस, जो भी आपको चीज लेनी है स्टोर करने के लिए, काइंड ऑफ स्टोरेज बनाया। वैसे तो हम पहले सोचे थे यहाँ पे आइस बॉक्स को रखेंगे, बट जब हमने बनवाया ना, तो उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे यहाँ तक जा रहा है, तो उसके बाद ये क्या हो रहा है कि अपना आइस बॉक्स अंदर नहीं जा रहा। तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमने यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट कुछ और चीज के लिए करवाई थी, बट उनका यूज होने वाला है इसका स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो ये एक स्टोरेज हो गया। अब उसके बाद ये ओपन हो गया अपना स्टोव, यहाँ पे अपना स्टोव है, यहाँ पे कुछ स्टोरेज है। ये किचन अपना ओपन हो चुका है पूरे तरीके से, एक नंबर। आपको मैं पूरा स्टोरेज दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अपने पास स्टोरेज है इधर, ठीक है, इसमें बहुत सारा सामान स्टोर हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ स्टोरेज यहाँ पे हमारी, और एक ये है, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। दूसरा ये स्टैंड है, मतलब कुछ भी रखने के लिए, चॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। और एक स्टोरेज हमारी यहाँ पे, यहाँ पे हम अपने सारे आइटम्स, जो भी मसाले वसाले और जो भी हमारे दाल वाल, जो भी चीज़ हमें यूज़ करनी है, वो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी तो हो गई भाई स्टोरेज की बात। और यहाँ पे हमारी स्टोव यूज होने वाली है, और दिस इज द वाटर अरेंजमेंट। ठीक है, तो जी अपनी पूरी किचन ओपन हो चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ वाटर की स्टोरेज जो हमने करवाई है उसको कैसे यूज करने वाले हैं। देखो ये सिंक है और ये है हमारा पानी के लिए, यहाँ पे ग्लास को रख के देखो, इस तरीके से होने वाली भाई पानी की अरेंजमेंट। ये पूरा ग्लास भर चुका है अपना, नीचे सिंक है, सिंक में भी हमने ये होल दिया है, इसको ओपन करके पानी नीचे निकल जाएगा। तो ये है अपना पानी की अरेंजमेंट जो भी करवाई है। अभी इसको कर देते हैं बंद और यहाँ से निकाल देते हैं भाई पाइप को, अदरवाइज पानी क्या है चलता रहेगा फ्लो के साथ। तो भाई जो भी अरेंजमेंट करी ना, बड़ी सोच समझ के करी हमने। मैंने आपको स्टैंड नहीं बताया था, ये हमने एक स्टैंड क्यों बनवाया, इसका रीजन है क्योंकि ये फ्रेम जिसकी वजह से इस फ्रेम को सपोर्ट मिल पाए, क्योंकि ये बाहर तक आएगा, इसको हम एज ए टेबल यूज करेंगे। एज ए टेबल यूज करेंगे तो इस पर कुछ सामान आएगा, तो भाई उसकी वजह से अपने ये पूरा जो भी अपना किचन सेटअप है उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने ये सपोर्ट दे दिया यहाँ से। और ये बहुत ही मतलब अच्छी बिल्ड क्वालिटी का हमने बनवाया, जिससे कि अपना जो किचन है ना उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, पूरा मैंने ओपन करके दिखा दिया आपको। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर, जो जिसपे हम एज ए चॉपिंग बोर्ड या फिर एज ए टेबल हम यूज करेंगे, उसको भाई बंद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको यहाँ से ऐसे निकालते हैं और इसको इस तरीके से ढक देते हैं, तो इसका ये कवर बन जाता है। ठीक है, अब इसको मैं पूरा प्रॉपर बंद करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से इसको बंद कर देंगे, यहाँ से स्टैंड को निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब
अपनी किचन हो गई बंद। और ये स्टैंड के लिए भी हमने स्पेस दे दिया है इधर, ठीक है। तो मेन पर्पज ना इस वाले स्पेस का यही था कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान होगा, जो कि स्टोरेज का सामान होता है, उसको हम यहाँ पे रख पाए, ठीक है। बाकी ये बंद हो गया, इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक क्यों लगवाया, मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसका ये रीजन है कि बाहर ना निकले, क्योंकि गाड़ी इंक्लाइन पे भी जाएगी, डिक्लाइन पे भी जाएगी, तो बार बार ये बाहर की साइड ना निकले। अभी इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा पानी का जो टैप है उसको इसमें अंदर डाल के, स्टोरेज अपने पास इतना है कि भाई कितना भी सामान आप कैरी कर सकते हो साथ में। इसको बंद किया, यहाँ से सिंक को ऐसे बंद कर देते हैं। प्रॉपर अपनी पूरी किचन बंद हो चुकी है, बाकी लॉक्स को इसी में छोड़ देते हैं जैसे कि चाबी खोना जाए, अपने को बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा किचन अपना सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगता भाई पूरा पैक करने में, कुछ भी टाइम नहीं लगता। और आपको देखो कितना अच्छे क्लीन तरीके से पूरा सेटअप तैयार किया गया। ये हमारा पानी का सेटअप, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। ये हमारा हो गया स्टोरेज जिसमें हम सामान रख सकते हैं, कपड़े वगैरह भी हम इसमें सोच रहा हूँ कि मैं इसी में डाल दूँ, क्योंकि पहले हमने आइस बॉक्स के लिए मंगवाया था बट अभी कामयाब नहीं हुआ है, तो देखेंगे इन फ्यूचर इसको कैसे अपडेट करेंगे। अभी के लिए हम इसे एज ए स्टोरेज यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना लगेज आने वाला है, और यहाँ पे एक बंदा सो भी सकता है, जैसे अगर इन फ्यूचर कोई ज्यादा बंदे हो जाते हैं अपने साथ कैंपिंग करते हुए और अगर स्पेस नहीं है, तो उस वाली सीट को फोल्ड करेंगे और उस पर एक गद्दा आता है जो इन्फ्लेटर से जिसमें हवा भर के इसको बना सकते हैं, उसके साथ ही प्रॉपर बेड बन जाएगा, तो ऐसे इसको यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो अभी बाकी हमारी जो इसमें बची हुई पेंडिंग चीज है ना, वो है लाइट्स की डेकोरेशन, वो कल नहीं हो पाई थी। अब सोच रहा हूँ कि आज टाइम है थोड़ा सा तो होके आज करवाते हैं, अदरवाइज आज हमें ट्रिप पे भी निकलना है जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो भाई अभी पूरी पैकिंग वैकिंग भी करनी है, तो इसलिए अभी इसको कर देते हैं बंद, ठीक है, क्योंकि सारा सामान यार फैला हुआ है गाड़ी में, गाड़ी धुलवानी हुई है, गंदी हुई पड़ी है बहुत ज्यादा। ये देखो पूरा सामान फैला हुआ है, सब सामान निकाल के, ये वाली सीट्स थी ये भी एक बार रख देंगे हम अपनी, बाकी सारा सामान क्लीन अप करके इसमें अभी पैकिंग करनी शुरू करनी है क्योंकि शाम को हमें निकलना है आज। तो यार मैंने अपने पूरे किचन का आपको वॉक थ्रू करा दिया, पूरा किचन दिखा दिया, कैसे कैसे हमने पानी की स्टोरेज करी है और कैसे कैसे हमने स्टोर करने के लिए स्पेस को मैनेज किया है, छोटे से एरिया में कैसे हमने एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर दिया, वो सब चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दिया। हमारी जो किचन है ना वो पूरी तरीके से फंक्शनल हो चुकी है और इसको यूज करने वाले हम इस वाली ट्रिप में जो कि हमारी आज स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रिप में होने वाले भाई अपने साथ राहुल भाई, मोनू भैया, दीपक, मैं, अरुण भाई, आकाश भाई नहीं जा रहे, उनको कहीं शादी में जाना है तो वो इसलिए नहीं जा रहे, बाकी एक और भाई है वो भी जा रहे हैं, तो हम 5-6 लोग हैं। हमारी मनाली गैंग एक बार फिर से ट्रिप करने जा रही है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत एंजॉय करने वाले हो आप सभी इस वाली ट्रिप में, क्योंकि इस वाली ट्रिप की जो लोकेशन होने वाली है भाई वो भी बिल्कुल अलग है। और अरुण भाई का तो शायद फर्स्ट टाइम ओवरलैंडिंग का एक्सपीरियंस होने वाला है और हमारी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो चुकी है ओवरलैंडिंग की, तो हमने सोचा कि उन्होंने प्लान बना ले लद्दाख से पहले एक ट्रिप कर ले जिससे कि आपको दिखा दे कि हमने कैसे कैसे क्या क्या सोचा है और आपको भी एंजॉय आ जाए, बहुत दिन हो गए ट्रिप पे गए हुए। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, आज शाम को हम निकलने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और आपको किचन कैसी लगी, हमारी पूरा सेटअप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी इसके नेगेटिव्स पॉजिटिव्स जो भी रहने वाले हैं भाई प्रॉपर तरीके से आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने आने वाले व्लॉग्स में, क्योंकि देखो ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट तो था ही, उसके साथ साथ ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था कि किचन कैसे सेटअप होती है ये सब चीजें, तो इसमें कोई कमी आएगी तो उसको अपग्रेड कर लेंगे, क्योंकि हमारा खुद का घर का काम है, मोनू भैया ने सारी तैयारियां करी, मोनू भैया ने सारा काम किया, तो भाई घर का काम है उसको अपग्रेड करते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मेरे को भी थोड़ी सी कमी लग रही है भाई पानी में, क्योंकि जो टैब हम यूज कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा इशू मेरे को लग रहा है, वो जब हम यूज करेंगे तो आपको बता दूंगा, बाकी अभी ट्रिप में जब जाएंगे तो और प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर ठोक दो, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक 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 जरूर कर देना जिससे कि ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाते रहे और हमारे एफर्ट्स को और लोग भी देख पाए और लोग हमारे साथ जुड़ पाए, हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो पाए। चलो फिर इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ट्रिप की वीडियो आने वाली इसके बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लिव यंग लिव फ्री।